किसान भाइयों, ये बहुत उपयुक्त समय है जब आप बासमती धान नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप सबसे पहले बीज पर ध्यान देना है। आप विश्वसनीय स्रोतों से ही बीज खरीदें। बीज को नमक पानी के घोल में एक बार निकाल लें। इसके लिए आप 20 लीटर पानी में 150 ग्राम नमक को मिलाकर घोल बना लें और उसको 15 मिनट तक उसमें बीज को डालकर छोड़ दें। 15 मिनट के बाद आप बीजों को अच्छे से हिलाएं और जिससे कि जो रोग ग्रसित बीज हैं और वो ऊपर तैरने लगेंगे, और उसके बाद आप उन बीजों को निकाल दें और बचे हुए बीजों को 2-3 बार साफ पानी से धो लें। उसके बाद उसमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कार्बेंडाजिम 50% WP, जो कि बाविस्टीन के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, उसका घोल बनाकर बीजों को 24 घंटे तक उसमें रख लें और उसके बाद आप गीली पौधशाला में बिजाई करें। दूसरा, आप बीज को आप ट्राइकोडर्मा हार्जियानम 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से भी आप बीज शोधन कर सकते हैं। नर्सरी में आप ट्राइकोडर्मा हार्जियानम या सुडोमोनास फ्लोरोसेंस का आप पाउडर 10 से 25 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से आप उसका छिड़काव करें और उसके बाद उसमें आप नर्सरी लगाएं। आप खेत की निगरानी करते रहें। आप ध्यान रखें कि जब आप पौध निकाल रहे हैं तो जड़ उनकी टूटे नहीं। रोपाई से पहले आप पौध शोधन कर सकते हैं। पौध उपचार के लिए आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कार्बेंडाजिम या नेटिवो जो कवकनाशी है उसका आप घोल बनाकर भी पौध को 12 घंटे तक उसमें उसकी जड़ों को डुबोएं और उसके बाद गिली आप उसकी रोपाई कर दें। फसल की निगरानी करते रहें। अगर आपको खेत में लक्षण दिखाई देते हैं और थोड़े से पौधों में ये लक्षण है तो आप ऐसे पौधों को निकाल सकते हैं।